चीन पुरानी हिंदी फिल्मों के उस साहूकार लाला की तरह है जिसकी बुरी नजर अपने हर पड़ोसी की धन दौलत पर होती है। चाहे जमीन हो या समुद्री मार्ग, चीन का सीमा विवाद उसके लगभग हर पड़ोसी से चल रहा है। लेकिन चीन की गीदड़ भभकियों से अब छोटे देश भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि उनका सहारा बना है भारत। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने के बाद अब फिलीपींस चीन से आर पार करने के मूड में आ गया है। चीनी आक्रामकता का जवाब देने के लिए फिलीपींस ने विवादित दक्षिणी चीन सागर के सामने एक नौसैनिक अड्डे पर ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल बेस तैयार किया है। नेवल न्यूज ने एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इसमें इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया गया है कि फिलीपींस के पश्चिमी लोजॉन के तट पर चैम्बलिस में नौसैनिक अड्डे लियो विगेल्डो गेंटियोकी में ब्रह्मोस साइट का निर्माण कर रहा है। यहां से फिलीपींस विवादित स्कारबोरो शोल के आगे तक निशाना लगा सकता है। बता दें कि फिलीपींस ने 2022 में भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेकर एक महत्वपूर्ण डील की थी। इसी साल अप्रैल में भारत से मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को मिली थी। चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद के बीच देश की सेना के आधुनिकीकरण के लिए इस डील को किया गया था। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटरियों और फिलीपींस मरीन कॉर्प्स कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट को सिस्टम के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। यह पहली बार है जब भारत ने किसी दूसरे देश को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली बेची। इस सौदे के बाद वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने भी भारतीय मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई थी। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि फिलीपींस मर्चेंट मरीन अकादमी के दक्षिण में एक नए बेस का निर्माण किया जा रहा है, जो पहले देश के सशस्त्र बलों द्वारा हमले और तटीय रक्षा प्रशिक्षण के लिए एक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली जमीन के एक हिस्से पर है। इसमें आगे कहा गया है कि फिलीपींस की नौसेना का प्रतिष्ठान भारतीय ब्रह्मोस ठिकानों से छोटा लगता है। ऐसा संभवतः मनीला द्वारा ब्रह्मोस सिस्टम की खरीद की कम क्षमता के चलते हो सकता है। भारतीय लॉन्चरों के 3 के मुकाबले मनीला को दिए प्रत्येक लॉन्चर में केवल 2 ही मिसाइल। फिलीपींस के ब्रह्मोस बेस बनाने का दावा अगर सही है तो यह पहले से ही विवादित क्षेत्र में तनाव को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि मनीला ने अब बीजिंग से सीधे टकराने का मन बना लिया है। फिलीपींस ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइलों को स्कारबोरो शोल से सिर्फ 250 किलोमीटर की दूरी पर तैनात करेगा, जो दोनों राज्यों के बीच एक विवादित स्थल है। फिलीपींस को जो मिसाइल दी गई है उसकी रेंज 290 से 300 किलोमीटर तक है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।